तो स्वागत है आज की वीडियो में सभी का। आज जो आप गाड़ी देखने वाले हो ये है 12-13 साल पुरानी, और आज इसके बारे में आप देखोगे ना, मतलब सब चीज़ ख़राब हो चुकी है इसकी, पर इसके इंजन की आवाज़ अगर आपने सुन ली ना गलती से, ऐसे लगेगा जैसे कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, क्योंकि आवाज़ ही नहीं है इंजन में बिल्कुल भी। गाड़ी का पूरा धसरा बदल चुका है, बेकार हो चुकी है, पर इंजन अब भी ऐसा है कड़क। सारी सब चीज़ देखो कैसे हो रही है, खिड़की विड़की सब बेकार हुई पड़ी है, सीट वगैरह फट चुकी है, मीटर देखो, मीटर तो मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा देखा ही नहीं है, इसमें ही देखा है जो कि मात्र 345 चला है। तो ये तो वैसे भी मुझे, आपको पता है, मेरे को पता है ये चेंज है, पर पूरी बॉडी कंडीशन देखो, सब कुछ ख़त्म हो चुका है गाड़ी का। पर मैं आपको गाड़ी, जब गाड़ी के इंजन के पास चलाऊँगा आप भी हॉपलेस हो जाओगे, ये कैसे है। अब भी देखो बाहर से इसमें CNG लग रही है, फिर भी इसके इंजन की आवाज़ सुनोगे आप, देख लेना पहले इसकी, सब कुछ देख लो। गाड़ी की बुरी हालत हुई पड़ी है, चारों ओर से ख़त्म है बिल्कुल भी। देखो टायर वायर सब बेकार हुए पड़े हैं, मात्र 1-2 साल बच रही है इसकी ख़त्म होने में, क्योंकि दिल्ली NCR में गाड़ी चलती नहीं है 15 साल से ज़्यादा, और वैसे 10 साल ज़्यादा नहीं चलती है, डीजल थी पहले, फिर उन्होंने CNG करवा ली, पर जो भी है अब 15 साल चलेगी, तो इसकी 2 साल बच रही हैं। और आप गाड़ी की आवाज़ सुनोगे तो कहोगे है कैसे मेरी अब भी। आप अगर आपकी, आपके पास कोई नई गाड़ी भी होगी ना, वो भी ऐसी आवाज़ नहीं करती होगी जैसी ये करती है। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, रुकना, पहले आप सब कुछ देख लो। अभी इसकी क्लिच प्लेट हुए, आदमी ने इसके अंदर, इसके मालिक ने 30,000 रुपये लगाए हैं, तो कुछ सोच के लगाए होंगे, क्योंकि इस गाड़ी में दम तो है, ये भी तो मैं मान गया, इसकी आवाज़ सुन के ही मैं मान गया कि हाँ ये दमदार चीज़ है। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, बस देख लो, सब कुछ कुछ है ही नहीं, गाड़ी बिल्कुल ख़त्म है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ इसकी आवाज़ सुनने के लिए, जो कि बहुत तगड़ी है, मेरे को तो मज़ा आ गया। तो दोस्तों आप बताओ आपको इंजन की आवाज़ कैसी लगी, मेरे को तो बहुत तगड़ी लगी। भाई को शर्म आ रही है, बता नहीं रहे राज के बारे में, गाड़ी का इंजन अब भी कैसा है। तो भाई के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और एक कमेंट भी ज़रूर करना।